हेलो बच्चों लेट्स गिव द फॉलोइंग क्वेश्चन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट 500 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस अर्थ के सरफेस के 500 किलोमीटर अबव एक सर्कुलर ऑर्बिट में आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सैटेलाइट सैटेलाइट का हमें एक्सेलरेशन निकालना है सेकंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी पॉइंट अलोंग द सैटेलाइट्स पाथ

फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर ये हमारे पास एफ का वैल्यू है यहाँ पे जो एम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ सैटेलाइट को रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ सैटेलाइट वी क्या है इट हियर रिप्रेजेंट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है एंड जो स्मॉल आर है वो रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट को रेडियस ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है अब मान लो ये हमारे पास क्या है यहाँ पे अर्थ है दिस हियर रिप्रेजेंट्स अर्थ और इसके अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है वो क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है अब इसका जो हाइट है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ वो कितना है एच दिया है एंड अगर हम अर्थ के रेडियस की बात करें तो वो हम कंसिडर कर लेते हैं कैपिटल आर तो यहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक डिस्टेंस निकालें वो क्या होगा रेडियस ऑफ ऑर्बिट होगा दैट इज स्मॉल आर अब ये हमारे पास क्या है ऑर्बिट है तो स्मॉल आर का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल आर प्लस एच के इक्वल होगा ऑल्सो वी नो दैट एम में प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेशन किसके इक्वल होता है फोर्स के इक्वल होता है यहाँ पे ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेलेशन को हियर रिप्रेजेंट्स एक्सलेशन तो हम क्या लिख सकते हैं जो है वो की है 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 तो तो हो गया तो A का जो value है, वो हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर अब जो विलोसिटी है ऑर्बिटल विलोसिटी उसके लिए फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ जी इंटू आर स्कवायर डिवाइड बाय हमारे पास स्मॉल आर होता है अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जी का जो एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये सरफेस ऑफ अर्थ की एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी इज एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ अर्थ के सरफेस पे कितना एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो v का जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो अगर हम ये वैल्यू a में substitute करें तो का लिखेंगे कितना आएगा g into r, square divide by r और ये सारी तो यहाँ से a का जो वैल्यू बनेगा दैट विल बी जी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की स्मॉल किसके किसकीक्वल है कैपिटल r प्लस एच के तो यहाँ से हम लिखेंगे that acceleration will be equals to g into r, इन आर अपॉन आर प्लस एच इस टर्म का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा ये हमारे पास मान लो क्वेश्चन वन है सेकेंड हमें क्या निकालना है एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है एट एनी पॉइंट अलोंग द दैटेलाइट पाथ उसको मान लो हम निकाल मान लेते हैं जी डैश ये किसके लिए है फॉर सैटेलाइट के सैटेलाइट के लिए एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना एक्ट कर रहा है तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है जी इंटू

10 to power 3 meter, क्योंकि 1 में कितने मीटर होते हैं टेन रेज टू पावर थ्री मीटर होते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो h का वैल्यू है उसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं फाइव इंटू टेन रेज टू पावर फाइव मीटर लिख सकते हैं

6.5 में अगर हम 0.5 ऐड करेंगे तो तो हमें क्या क्या मिलेगा 7. तो 7 into 10 raise to power 6 है इसका क्या आ गया स्क्वायर तो हो गया तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू जी डैश इज टू नाइन पॉइंट एट को एज लिख लिया सिक्स फाइव को जब हम सेवन से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा जीरो पॉइंट नाइन थ्री इसका क्या है स्क्वायर है okay. तो इसको फर्दर हमें क्या करना है, से इसके को करना है तो नाइन पॉइंट एट इंटू क्या बन गया जीरो जीरो पॉइंट एट सिक्स फोर नाइन इंटू नाइन पॉइंट एट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल ए एंड जी डैश का वैल्यू तो ए इज इक्वल टू जी डैश इज इक्वल टू एट पॉइंट फोर सेवन इसका वैल्यू आ गया फोर सिक्स 47602 है इसका वैल्यू तो हम यहाँ से राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू जी डैश इज इक्वल टू एट पॉइंट फोर सेवन सिक्स सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन एंड इसके यूनिट्स होंगे वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होंगे आई होप यू अंडरस्टूड वेल थैंक्स